इसलिए अगले 10 साल तक इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखीजिए। बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में आती हैं जो कि रिलीज़ होती हैं, सुपरहिट होती हैं, फ्लॉप भी होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अजय देवगन की कौन सी फिल्में हैं जो कि नेशनल अवार्ड डिज़र्व करती हैं और साथ ही साथ वो फिल्म बहुत बेहतरीन थी, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन सी उनकी आने वाली फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उनकी कौन सी फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए। वो फिल्म है दोस्तों मैदान। मैदान एक बेहतरीन कंटेंट वाली फिल्म थी। उसका कंटेंट इतना शानदार था कि अगर वो फिल्म आज के टाइम में फिर कहीं ना कहीं दोस्तों सोलो रिलीज़ हुई होती बिना क्लैश के, तो वो फिल्म 100% सुपरहिट या फिर हिट साबित ज़रूर होती। फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा था, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था, क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा ऑडियंस उसे देखने नहीं गई और उसका बजट बहुत ज़्यादा था, इस वजह से फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा था और वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि सेकेंड नंबर पर जो फिल्म आती है अजय देवगन की जिसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए वो है दोस्तों रनवे 34। एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जो कि बहुत ही डिफरेंट जोनर को कहीं ना कहीं बॉलीवुड में प्रेजेंट करती है, और जिस तरह से उसमें एक एविएशन थ्रिलर दिखाया गया था और जिस तरह से वो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी फिल्म बनाई गई थी वो बहुत बेहतरीन थी। काफ़ी सारी लोगों को फिल्म पसंद भी आई थी, लेकिन ओवरऑल फिल्म का रिजल्ट जो था वो फ्लॉप रहा था, या फिर एकदम से कहते तो एवरेज हिट कह लीजिए ऐसा था। तो वो फिल्म भी एक अवार्ड तो डिज़र्व करती है क्योंकि वो फिल्म भी बहुत शानदार थी और उसे भी दोस्तों नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तो मिलना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की अगर हम आने वाली फिल्मों की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी फिल्में हैं, जैसे कि औरों में कहां दम था, सिंघम अगेन, रेड 2, दे दे प्यार दे 2 और भी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल सकता है वो हो सकती है सिंघम अगेन। जी हाँ दोस्तों, सिंघम अगेन के चांसेस हैं कि उसे नेशनल अवार्ड मिल सकता है, और उस फिल्म में जिस तरह का हमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, हर एक तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली हैं। प्लस दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की सिंघम अगेन एक ऐसी फिल्म है जो कि काफ़ी सारे अवार्ड्स जीतेगी और बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। अगर ऑडियंस को कॉन्टेंट पसंद आता है तो ये फिल्म 100% ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है और इवन 500 करोड़ तक का बिजनेस भी कर सकती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि अजय देवगन की नेशनल अवार्ड डिज़र्व करती हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी अजय देवगन की ऐसी फिल्म है जो कि बहुत बेहतरीन है और उसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था और अभी तक मिला नहीं है? आपके हिसाब से उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।